Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut ke Nasreen hatyakand ke farar aaropi saas-sasur ne court mein surrender kar diya hai. Darasal Lisadi Gate thana kshetr ke Humayun Nagar ka rehne wale Aamir ne videshi yuvti se prem prasang ke chalte अपने परिवार वालों के साथ मिलकर पत्नी नसरीन की हत्या कर दी थी। बीमारी से मौत होने का बहाना बनाकर शव को दफना दिया था। जब मृतक नसरीन के परिजनों को अचानक हुई मौत पर शक हुआ तो उन्होंने ससुरालियों पर हत्या की आशंका जताते हुए उनके खिलाफ मुकदमा कायम कराया था, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराया। रिपोर्ट में हत्या आने पर पुलिस ने आरोपी पति सहित उनके दो भाइयों को जेल भेज दिया था। तभी से मृतका के सास व ससुर फरार चल रहे थे। शुक्रवार को दोनों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसके बाद मृतका के पिता ने एसएसपी को शिकायत पत्र देते हुए बताया कि आरोपी जेल से मुकदमे में पैरवी करने पर जान से मारने की धमकी दिला रहे हैं। सुनिए नसरीन के पिता से मिली जानकारी। मेरा नाम आयुष शफीकुद्दीन है सर। मेरी लड़की हुमायूं नगर में शादी हुई थी। 25 नवंबर को मेरी लड़की की हत्या हो गई। मेरे लड़के को ये कहकर बुलाया गया जल्दी आ जाओ, लड़की की तबीयत खराब है। जब हम वहाँ पहुँचे तो पता चला कि लड़की मर चुकी है। अकड़ी पड़ी इस टाइप से उसका हत्या ऐसे करते ऐसे कि ऐसी वो कब्रिस्तान में ले गए, कहा कि नमाज पढ़ते हुए तहजद पढ़ते हुए इंतकाल हो गया। कोई बात नहीं, फिर उसके बाद हमें पता चला मर्डर हुआ, तो हमने जो है 4 दिसंबर में बॉडी उखड़वाई, उसका पोस्टमार्टम कराया। तो पोस्टमार्टम में गला घोट के और मतलब हड्डी टूटी गली की आई तो मर्डर आया। तो उसमें 5 दिसंबर को FIR हुई, 5 दिसंबर में FIR हुआ, 8 दिसंबर को दामाद पेश हो गया। उसके बाद में दामाद का एक भैया 8 दिसंबर उसमें 15 दिसंबर पेश हुआ, फिर एक हुआ मतलब जो है 22 दिसंबर में। उसके बाद से दोनों सास ससुर फरार चल रहे थे। अब दबाव देने के बाद वैसी प्रतिक्रिया चालू होने वाले, दबाव में आकर उन्होंने कल सिलेंडर कर दिया, जबरूनर जान मंदिर। लेकिन मुझे और मेरे बच्चों को जान का खतरा है, ये जेल से धमकी दिलवा रहे जान उम्र के लड़के कि इन्हें जेल से निकल के बताएंगे कैसे बदमाश होते हैं, कैसे मारा जाता। अब मतलब बदमाशी चालू करनी, ये मतलब मामला भाई। जो भी मिलने जाता है या मिलाए हुए रिश्तेदार जाता है तो उनसे ही कहते हैं कि अब तो ना हम जेल से निकल के बताएंगे। जो भी रिश्तेदार जाता है मिलाए करने चले जाता है, कनेक्शन आपस में एक दूसरे से है ही, उनको जरूर धमकी देगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।